Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the revision. है तो वैसे क्विक रिवीजन की तरह ही, बट ये एक टॉपिक रहता था जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो क्विक रिवीजन में मैं फिर से एक बार इसको करवा दूंगी, बट अभी इसको ब्रीफ में समझा रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑफ रिसर्च होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मैथड ऑफ रिसर्च. तो देखिए, एक्सपेरिमेंट वर्ड से ही पता लग रहा है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. और मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे किए जाते हैं? मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेबॉरेटरी में, जिस वजह से इसको लेबॉरेटरी वर्क भी बोला जाता है. ठीक है, या इसको लेबॉरेटरी रिसर्च बोला जाता है. तो इसमें क्या है, जो रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चेक करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ड्रग्स हो गए, कोई मेडिसिन हो गए, किसी पर रिसर्च किया और देखा कि क्या ये वैलिड है, क्या ये उस चीज़ के लिए सही है ये मेडिसिन. ऐसे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. ठीक है, तो मेथड क्या है इसका? सबसे पहले इसको ट्रू एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ वैलिड है तभी तो मार्केट में आएगी. अगर आपके वो ड्रग्स हैं जो आपने बनाए हैं, जिस पे रिसर्च किया है, अगर वो वैलिड नहीं होगा और बाय चांस आप मार्केट में दे भी दोगे, तो क्या मतलब कोई ना कोई उसका इफेक्ट होगा और जिससे गड़बड़ ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस वजह से उसको कई बार सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को ट्रू माना जाता है, बिकॉज ये वैलिड चीज़ें ही लेके आता है. रिसर्च में वही चीज़ें आगे जाती हैं जो वैलिड होती हैं. जनरली कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन. बस एक चीज़ याद रखना, सारा जितना भी आपका स्टैटिक्स का पेपर है, सब में एक ही चीज़ बोली है, कॉज प्लस इफेक्ट. ठीक है, कॉज मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफेक्ट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ही बात की गई है बार बार. तो इसमें भी यही देखा गया है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कि कैसे कॉज और इफेक्ट, मतलब डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट का एक दूसरे से रिलेशन है. वही होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड. देखो, रिलेशन पता लगेगा आपको तभी तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे. वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये सब बाद में पता लगेगा. किसने एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया था? विलियम वुंड ने. ये कहाँ पे यूज़ होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड? मोस्टली फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में, साइकोलॉजी में और एजुकेशन में. हियर रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल एंड कंट्रोल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स. कि वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेट मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उस चीज़ को, मतलब अपने तरीके से मोल्ड करके देखते हैं, घुमा फिरा के, ये कहीं से कुछ तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकलेगा, कुछ तो आएगा. वो अगर एक वेरिएबल को चेंज कर दे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उससे देखो इंडिपेंडेंट में भी फ़र्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंट चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट में फ़र्क पड़ेगा. मतलब इस तरह से वेरिएबल्स को घुमा फिरा देते हैं कि आपको एक क्या है, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो, आपका एक रिसर्च पूरी हो जाती है, आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द रिज़ल्ट. वेरिएबल वो चीज़ होती है जो आपके रिज़ल्ट को चेंज कर सकती है. जो भी आपने रिज़ल्ट कंक्लूड किया और आप उसका एक आधा भी वेरिएबल चेंज कर दो ना, तो उससे आपकी सारी रिसर्च पलट जाएगी. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्च का यही है कि रिसर्च कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहे हो, तो उससे क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल्स हैं और उसको कैसे यूज आउट करना है. वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, देखो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है, वैलिडिटी में भी हमने यही चीज़ें पढ़ी थी. कंट्रोल, इंटरवीनिंग, एक्सट्रीनियस, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. तो देखिए, पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है. एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट. तो आप सबको पता है इंडिपेंडेंट क्या होता है, कॉज, और डिपेंडेंट क्या होता है, इफेक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात कही है, ये सैलरी है. ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉज है. तो इसका इफेक्ट क्या है, देखो, एजुकेशन सही होगी, सैलरी बढ़िया मिलेगी, एजुकेटेड होंगे, सैलरी मिलेगी. मतलब एक तरह से मेन कॉज है कि हमें तो सैलरी चाहिए, जैसे तैसे अच्छे से पढ़ के, जैसे मर्जी करके, द मेन कॉज इज सैलरी. आजकल सभी क्यों भाग रहे हैं सैलरी के पीछे, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए. तो ये मेन कॉज है किस चीज़ के लिए, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसके. आप अच्छी एजुकेशन लेते हो, कोचिंग लेते हो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हो. ठीक है, वो इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो समझ आ गया. तो इंडिपेंडेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी. तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. ठीक है जी, इसको चेंज किया जाता है. मतलब जैसे अभी तो सैलरी की बात कर रही है, बाद में कोई और आप कॉज होगा उस चीज़ का. ठीक है, जैसे आप में फैटनेस आ रही है, उसका सॉरी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये कॉज है. ठीक है, इफेक्ट क्या है उसका, कि आपकी बॉडी में फैटनेस आ रही है. मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न इज़ अ फास्ट फूड.
तो वो क्या हो गया, एक कॉज हो गया जिस वजह से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, और क्या है बट फास्ट फूड है, तो देखो जी आपकी फैटनेस भी बढ़ रही है. तो कहीं ना कहीं ये वेरिएबल्स क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. और जब ये रिलेशन प्रॉपर वैलिड हो जाता है तभी हम बोलते हैं हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है और वैलिड है. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्या होता है, दैट इज़ अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, कॉज और इफेक्ट की बात हुई है ना, उनके रिलेशन है, कॉज होती है इंडिपेंडेंट, इफेक्ट होता है डिपेंडेंट. तो ये दूसरे वेरिएबल से क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है, एंड इट कैन बी टेस्टेड और मेजर्ड. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालता है और उसको चेंज कर देता है. देन कम्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट, और जो आउटसाइड से बाहर से कोई वेरिएबल आ रहा है ना फालतू का और आपके रिजल्ट को चेंज कर रहा है बुरी तरह, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रेनियस वेरिएबल. कि एक्चुअल में वो प्रोसीजर के अंदर नहीं है बट बाहर से कोई वेरिएबल हम लेके आ रहे हैं और उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. नेक्स्ट कम्स द इंटरवीनिंग वेरिएबल. तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, ये लिंक करता है हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को. इट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व जस्ट लाइक एक्सट्रीनियस. जैसे एक्सट्रीनियस पढ़िया, आउटवर्ड वेरिएबल की बात हुई, ठीक है, इंटरवीनिंग भी. ठीक है जी, तो जो इंटरवीनिंग होता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल, वो क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को एक दूसरे से क्या करता है, लिंक्ड करता है. और ये एक्सट्रीनियस का ही काम करता है एक तरह से. ठीक है, आउटवर्ड से जब कोई वेरिएबल हम ऐड करते हैं जिससे हमारा रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, उसको भी हम इंटरवीनिंग वेरिएबल बोलते हैं. तो देखिए जी, इनके पर्पज़ क्या होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, उसका पर्पज़ क्या है. तो इससे क्या होगा, हमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप पता लगेगा, इससे हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट अपने हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा. देन ये कहाँ काम आता है, एकेडमिक स्टडीज़ में, एंड देन इट अलाउ टू टेस्ट द थ्योरीज एंड डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स. हमने एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग द न्यू ड्रग्स एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट्स. तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ब्रीफ में मैं इस वीडियो के एंड में बताती हूँ. वैसे तो अभी ऐसे ही बता देती हूँ कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं. कंट्रोल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हमेशा साथ में चलेंगे. ठीक है जी, रैंडम एंड देन मैनिपुलेशन. तो पहले आते हैं स्टेप्स पे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम भी पेपर में आया था कि स्टेप्स बताइए क्या होते हैं जब आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च को कंटिन्यू करना है. तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, रिव्यू द लिटरेचर्स, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बनाएंगे अपना, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो, मे बी केस स्टडी यूज़ करना चाहते हो या कोई भी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. देन कंडक्ट दैट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कर लो वो, फिर जो आपको रॉ डाटा मिलता है उसको सारा कलेक्ट करके उसके बाद कंक्लूड कर दो कि आपका रिजल्ट क्या आया है. तो ये है कुछ करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है जी, तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे, वो पहले था कंपैरिजन ऑफ ग्रुप, कि आप ग्रुप्स को क्या कंपेयर करोगे. तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो देखता है कि क्या जो ट्रीटमेंट है उसका कोई इफेक्ट है, या क्या एक ट्रीटमेंट का इफेक्ट दूसरे ग्रुप पे भी सेम हो रहा है. वो होता है कंपेयर करना. ठीक है, कि जैसे मैंने पांच पांच लोगों का ग्रुप लिया, तो मैंने पांच लोगों पे वो ड्रग का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो मैंने दवाई बनाई है, जो मैंने ड्रग्स बनाए हैं, कि क्या वो बेनिफिशियल है. तो पांच पे किया, पांच पे नहीं किया, तो मैंने कंपेयर करके देखा कि जिनमें मैंने किया उस पे सही इफेक्ट हुआ और जिनमें मैंने नहीं किया उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. कहने का मतलब कि जो मैंने ड्रग बनाए थे वो वैलिड है, सही है. ठीक है जी, कंपेयर करेंगे दोनों में. देन मैनिपुलेट करना. तो मैनिपुलेट, देखो ये तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना. मैनिपुलेट कर दोगे आप, जो जो आपको चीज़ें चाहिए रख लोगे, नहीं चाहिए तो नहीं रखोगे. मैनिपुलेट करके आप अपना कंक्लूड कर दोगे. रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन मतलब आपने सैम्पलिंग चैप्टर पढ़ा होगा. मैट फर्स्ट सेम में मैंने सैम्पलिंग भी करवाई थी आपको. पूरा एक टॉपिक था सैम्पलिंग का, जिसमें से आप मतलब ग्रुप्स निकालते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है उसको ही सैम्पलिंग बोलते हैं, है ना. तो आप कुछ सैम्पल में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते थे कि हम इन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो होती है रैंडमाइजेशन. हम रैंडमली किसी को भी चूज़ कर लेंगे. रैंडम असाइनमेंट सिमिलर होती है बट सेम नहीं होती रैंडम सिलेक्शन की तरह. अब रैंडम असाइनमेंट और सिलेक्शन क्या होती है,
रैंडम असाइनमेंट मीन्स जो हर एक इंडिविजुअल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सपेरिमेंट में हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड, कि सबको क्या है इक्वल चांसेस मिलेंगे, कि सबकी एक एक बारी आएगी, एक एक टर्न आएगी, ठीक है। बट जो रैंडम सिलेक्शन होती है वो तो ऐसा होता है कि आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो, हर एक को चांस नहीं मिलेगा, किसी किसी को चांस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जी कितनी तरह के मतलब सैम्पल्स होते हैं। एक तो सिंपल रैंडम होता है, आप सिंपली चूज़ कर लेते हो किसी पॉपुलेशन से, बहुत सारे लोग हैं आपने सिंपली किसी को भी चूज़ कर लिया। देन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब एक प्रॉपर एरिया में से, जैसे मैंने सिर्फ रोपड़ का या चंडीगढ़ का एरिया लिया, सिर्फ उन लोगों में से ही मैंने क्या किया रैंडमली कोई सिलेक्ट कर लिया। देन क्लस्टर सैम्पल, क्लस्टर मतलब ग्रुप्स में से मैंने सैम्पल मैंने कलेक्ट किया, लोगों को चूज़ किया। देन कम सिस्टमैटिक, कि पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, कि जैसे 3 रोज हैं मेरे पास और 10-10 लोग हैं एक रो में, तो मैं लास्ट मेंबर को चूज़ कर रही हूँ फर्स्ट वाले में से, तो मुझे सेकेंड वाले और थर्ड वाले में से भी लास्ट मेंबर ही चूज़ करना पड़ेगा। मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से मुझे चलना है, ठीक है। वो होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आई होप ये आपको समझ आ गया इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। बाकी एक करेक्टरिस्टिक्स थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। एंड आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।